हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। आई एम विनोद। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 1 साइंस के अंदर आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और इस चैप्टर को हम इससे पहले लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था हमने, और आज उस इंट्रोडक्शन को फिर से हम एक बार रिविजन करा करके और चैप्टर को कंटिन्यू हम आगे बढ़ाते हैं। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ाया था उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन आखिर दोनों क्यों टर्म है? दो टर्म है, एक तो टर्म है केमिकल रिएक्शन और एक है इक्वेशन। आखिर दोनों की क्यों क्या जरूरत पड़ा? तो देखिए स्टूडेंट्स, इन आवर सोसाइटी अगर हम बात करें, इन आवर सोसाइटी वैरायटी ऑफ चेंजेज, हमारे सोसाइटी में तरह तरह का चेंजेज आते रहता है, अभी देखने को मिल रहा है। जैसे अगर हम घर में ही रहते हैं तो देखे होंगे कभी कभी जो है दूध से दही बनाते हैं, मिल्क से टू कर्ड। कभी देखे होंगे लोहा में जंग लग जाता है, लोहे में जंग लगना। डाइजेशन ऑफ फूड हम खाते हैं तो हमारा भोजन का पचना, यानी ये भी क्या है, एक चेंजेज है डेली। जैसे कभी देखे होंगे आजकल गर्मी का समय है तो लोग क्या करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज में जाकर पानी रख दिया, ठीक है, बर्फ बना लिया, तो वाटर से क्या बनना, आइस बनना, ये क्या है, एक तरह का चेंजेज है। ये डे टू डे लाइफ में कई सारा चेंजेज दिखता है। तो इन आवर सोसाइटी वैरायटी ऑफ चेंजेज, और इस चेंजेज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट फिजिकल चेंज और सेकेंड जो है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है फ्रेंड्स? फिजिकल चेंज वो आता है जिसको इजीली जो है रिवर्स कर सकते हैं। यानी अगर ए से बी बन गया, सपोज करें कि ए से अगर बी बना लिए तो फिर बी से हम वापस ए पे आ सकते हैं, ऐसे चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। अगर ले तो इसका मतलब हुआ दैट इज कॉल्ड इजीली रिवर्स्ड। लेकिन अगर केमिकल चेंज की अगर हम बात करें तो केमिकल चेंज नॉट इजीली रिवर्स्ड। जैसे अगर हमने ए से बी बनाया तो बी से ए बनाना आसानी से हम नहीं बना सकते, बी से ए, यानी नॉट इजीली रिवर्स्ड, नॉट इजीली रिवर्स्ड। ऐसे चेंजेस को बोलते हैं फिजिकल चेंज, और ये को इसको बोलते हैं केमिकल चेंज और इसको फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जब वाटर को हम फ्रीज करेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, आइस। जैसे इवेपोरेशन, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज मीन्स अगर हमारे पास, सपोज कीजिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास जैसे आइस है, ठीक है, आइस को क्या किया हमने, हीट दिया, तो ये क्या हुआ, वाटर में कन्वर्ट हो गया। फिर इसको हीट दिए, गर्म किए, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो वाटर आयस जो है, सो आयस को अगर हमने हीट दिया तो वाटर में कन्वर्ट हुआ, और वाटर को हीट दिया तो वेपर में कन्वर्ट, यानी क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड है, और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये गैस है। ये तीन स्टेट है। तो हम जो है सो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, उसी तरह से गैस से फिर लिक्विड में, और इसको अगर हम इसमें इसको ठंडा किए तो उसके ऊपर इसको ठंडा किए, वो यानी फ्रीजिंग किए, तो हमारा सॉलिड हो गया। तो क्या हो रहा है, एक से दूसरे स्टेट आसानी से चेंज होता है, ऐसे चेंजेस को बोलते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंजेस का अगर हम एग्जांपल बात करें, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये कौन सा चेंजेस है, ये केमिकल चेंजेस। आसानी से तो वो फिर वो जंग जब लग गया तो आसानी से तो हटेगा नहीं, वो लोहा खराब हो जाता है। जैसे मिल्क टू कर्ड, दूध का दही बनना, जैसे
डाइजेशन ऑफ फूड जो हम लोग भोजन खा हमारे पेट के अंदर रहता है, डाइजेशन होता है भोजन का पचना, ये सब सारे क्या है, केमिकल चेंजेज है। तो देखिए जो हमारे फिजिकल और केमिकल चेंजेज हो रहा है, तो हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे जनरली मोस्टली हम केमिकल चेंज के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस केमिकल चेंज के अंदर आप देखिए क्या है, तो आपसे एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है, तो आप इसी तरह से बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे अगर आपका केमिकल चेंज होता है, तो केमिकल अगर चेंज हुआ, जैसे सपोज कीजिए ए से बी अगर आपने बनाया, तो ए के अंदर कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हुआ होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अगर ए से बी बनाए तो ए के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुआ होगा तभी तो वो बी बना होगा। तो केमिकल चेंज होने के लिए केमिकल रिएक्शन होना जरूरी है, जब केमिकल रिएक्शन होगा तभी तो केमिकल चेंज होगा, तो केमिकल रिएक्शन होता है तभी केमिकल चेंज होता है, और अगर इस केमिकल रिएक्शन हुआ होगा तभी तो वो चेंज हुआ होगा, और इस केमिकल रिएक्शन को जो केमिकल चेंज होता है उसको लिखने के लिए हम केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन, यानी कोई भी केमिकल चेंज को अगर हम केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं और उस रिएक्शन को हम लोग पढ़ने के लिए इक्वेशन के फॉर्मेट में देखकर स्टडी करते हैं, तो ये रिएक्शन प्लस इक्वेशन ये दोनों मिला करके अगर हम बात करें तो ये आपका चैप्टर का नाम हो गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये और यही चैप्टर है आपका। इसके बाद हम लोग जो है इसके बाद जो है इसको फटाफट लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आपको इरेज करके फिर आगे बताते हैं क्या होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, क्या होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है कि केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज इन वन और मोर सब्सटेंस या और रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर के एक नई सब्सटेंस बना दे तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सपोज कीजिए कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि ए और बी मिल करके एक प्रोडक्ट बना दिया सी, तो ये क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, ए और बी दोनों मिला एक सी बना दिया, यानी दो या दो से ये हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो, जैसे ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी, ये तीन मिलकर के एक डी बन गया, एक अलग प्रोडक्ट बन गया। तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब मिलकर के एक नए प्रोडक्ट का अगर फॉर्मेशन होता है तो उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, अ केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, या तो सब्सटेंस बोलेंगे या रिएक्टेंट बोलेंगे। देखिए रिएक्टिंग स्पेसीज का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट में क्या क्या हो सकता है, तो देखिए वो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है, जो रिएक्शन बनाता है, यानी द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेज इन द केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्टिंग स्पेसीज जो है, जो रिएक्टेंट आपका हो सकता है, या तो आपको ये आपका एटम्स हो सकता है, मोलेकुल हो सकता है, और आयंस हो सकता है, ये रिएक्टेंट आपके ये तीनों फॉर्मेट में हो सकता है, और जो ये रिएक्टेंट आपस में मिलकर के एक नई सब्सटेंस बनाता है तो उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन,